दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब 28 मई के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तकरीबन 7-8-9 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। बाकी एमसीक्यू की सीरीज देखो कितनी बेहतरीन चलाई हुई है हमने। पिछली दो वीडियोस में आपने देखा होगा कैसे बेसिक नॉलेज के आधार पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थोड़ा सा आज एडवांस लेवल किया है, थोड़ा सा आज क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया है, तो वो भी आप देखो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उसके आधार पर यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसमें पहला क्वेश्चन आज हमारा 22 है, 2022 का ही पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बोला हुआ है कि एग्रीकल्चर की धान गहनता प्रणाली, जो धान की गहनता प्रणाली है उसका, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से एक शुष्कन किया जाता है, क्लेदन किया जाता है, उसका परिणाम क्या होगा। देखो अगर शुष्कन की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा शुष्कन मतलब, देखो धान की फसल जब लगती है ट्रेडिशनल मेथड आपको पता ही है कि उसमें क्या होता है कि एक जैसे जैसे देखो ये खेत होता है, ठीक है, खेत में पानी भरा जाता है, ठीक है, फिर उसकी जो है वो की जाती है स्लैपिंग की जाती है, ठीक है, पानी भर दिया जाता है यहाँ पे, इसकी सैपलिंग की जाएगी और फिर उसे जो है हार्वेस्टिंग की जाएगी उसके बाद में, तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो यूपीएससी ने हमें बताया हुआ है शुष्कन के बारे में, क्लेदन तो हम चलो ठीक है नहीं सोचो, शुष्कन मतलब शुष्क सूखा कुछ इस तरीके से रिलेट कर रहे हो ना। देखो हम ना कितना ही टफ क्वेश्चन है उसको घुमा के लाएंगे अपने आधार पर, हम किस तरीके से उसको देखो बेसिक बिल्कुल एकदम जीरो नॉलेज के आधार पर, मतलब यूपीएससी का अगर यू भी नहीं आता ना आपको तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देखो इतना सिखाएंगे हम, ठीक है। 28 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ जो ये सीरीज देखेगा ना, जो ये सीरीज देखेगा वो फोड़ के आएगा एग्जाम को, बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लेकर आएगा और उसने स्किल डेवलप कर ली अपनी इस तरीके से। तो ठीक है, शुष्कन की बात चल रही है कि शुष्कन क्या है, मतलब कि सीधे सीधे आप समझोगे कि कोई ऐसी विधि है जिसका जो है जिसमें पानी कम लगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी कम लगे, मेहनत कम लगे और जो है रिजल्ट भी अच्छा हो, शुष्कन, ठीक है, कुछ ऐसी विधि है। तो अब इसमें क्या परिणाम हो सकता है, जब हमने यहाँ दिमाग में अपनी इमेज बना ली कि शुष्कन विधि है कोई, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीज की नीड कम होगी, आवश्यकता कम होगी, ठीक है। अब देखो जैसे पानी कम लग रहा है, प्रोग्रेस कम हो रही है ये सारी चीजें, तो मीथेन का प्रोडक्शन भी कम ही होगा, मेथेन का उत्पादन भी कम होगा और बिजली की खपत भी कम होगी। तीनों ही चीजें रिलाई कर रही है, तीनों ही चीजें इससे मैच खा रही है शुष्कन से, तो कितना इजी था, मतलब हम उसे जो है किताब की नॉलेज पे नहीं लेके गए, हमने शुष्कन वर्ड से ही देखो कैसे आंसर निकाला है और इसका आंसर भी ऑप्शन डी है, ठीक है, बिना झिझक के आप जो है इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे देखो भैया उनके आंसर ठीक रहेंगे, ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव रहेंगे। इसमें भी देखो आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, ठीक है। आरोग्य सेतु जैसे कोविड के टाइम पे एप्लीकेशन चलाई थी, कोविन कोविड के टाइम पे जो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाली थी, ऐसी डिजी लॉकर आपको पता ही है, दीक्षा के बारे में हो सकता है ना पता हो, ठीक है, लेकिन दीक्षा भी एक डिजिटली सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये चारों ही चारों ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने पूछा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 36 वाला जो है ये, इसमें बोला हुआ है कि कोई संचार की टेक्नोलॉजी है इन पर विचार करना है आपको, संचार की टेक्नोलॉजी है इन पर विचार करना है आपको, ठीक है। अब देखो आप पहली स्टेटमेंट में लिखा है निकट परिपथ यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन के बारे में, अब निकट का मतलब हो गया क्लोज्ड, ठीक है, परिपथ मीन्स सर्किट और टेलीविजन। अगर आप लोग सोचो यार क्या लिख दिया सर ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, आप देखो ना क्लोज सर्किट यानी सीसी और टेलीविजन टीवी, सीसीटीवी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ना हिसाब लगा के दिमाग लगा के कि क्लोज सर्किट टेलीविजन तो सीसीटीवी की बात चल रही है, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है कौन सा लघु परास युक्त टेक्नोलॉजी मानी जाती है, मतलब छोटी शॉर्ट टर्म वाली शॉर्ट रेंज वाली जो टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अब सीसीटीवी की रेंज 10 किलोमीटर तो नहीं होती, सीसीटीवी की रेंज तो होती है थोड़ा दूर तक ही देख पाता ना सीसीटीवी। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैठे हैं और हमारे घर में सीसीटीवी लगा हुआ आपके घर में देख रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना, शॉर्ट रेंज होती है, तो ठीक है ये जो फर्स्ट वाला लिखा है ये तो ठीक है। दूसरा आता है लघु परास यानी कि रेडियो आवर्ती अभिनिर्धारण जो है यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब आपने देखा होगा आप जैसे गाड़ी पे आपकी फास्टैग लगा होता है, कार पे आपकी फास्टैग लगा होता है, आप टोल टैक्स के उसमें गए, ठीक है, टोल वाले ने बोला कि भैया आप थोड़ा दूर खड़े हो, थोड़ा पास में आ जाओ ताकि हम स्कैन कर लें और जो है टोल आपका पैसे कट जाए, टोल कट जाए, ठीक है। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो मतलब कि क्लोज है वो भी पास में आके काम कर रहा है, ठीक है, तो ये भी होने वाला है यानी कि सेकंड वाला भी ठीक है, लघु परास युक्ति है। फिर आता है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क,
अब ये बताओ आप, बेतार, जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, बेतार क्या है ये लोकल में, क्लोज में, WLAN क्लोज में काम करेंगे ना, मतलब उसमें कम परास में काम करेंगे ना ये, ठीक है। तार वाली जो भी, उसे कितने लंबा तक ले जाओ, जितना लंबा तार उतनी दूर की टेक्नोलॉजी, मतलब उतनी दूर तक सुविधा। लेकिन बेतार जो भी, उसका एक लिमिटेड एरिया होगा, है ना। तो ये तीनों ही संचार की प्रौद्योगिकियां जो है लघु परास युक्तियां हैं। इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा ये लेवल अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये 42वां क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। मैं आपको ये जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप लोग इसमें देखो कि कैसे हो सकता है। ये 42 वाला क्वेश्चन है ये। इसमें देखो चार पांच स्टेटमेंट दी हुई है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, अपने नॉलेज के आधार पर बताऊं, तो ठीक है, एक ही स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा इसका। फिफ्थ वाली स्टेटमेंट से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला जो अंडर टू कोरिलेशन सचिवालय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोरिलेशन का सचिवालय है, ये बिल्कुल गलत है। बेसिक नॉलेज के आधार पर है, थोड़ा भी कहीं अगर हमने पढ़ा है तो पढ़ने के आधार पर तो ये गलत हो गया। देखो भैया ये इसका सचिवालय नहीं है, फिफ्थ गलत हो गया, ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। इसका आंसर आ गया बी। लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें वैसे सॉल्व करना है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो वहां से हमें ऐसी चीजें सॉल्व करनी है फैक्चुअल आधार पर, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा स्मार्ट है उसमें, नॉलेज में। इसमें क्या है कि आप ये देखो, थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है EP100 एनर्जी एफिशिएंसी में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण टारगेट्स को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट को अभी होल्ड कर लो। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं। देखो भारत ने तो जगह जगह झंडे गाड़ रखे हैं, तो कुछ कंपनियां तो EP100 की सदस्य हो सकती हैं, क्योंकि ये बताओ भारतीय कंपनियां कहाँ नहीं है, सब जगह तो है भारतीय कंपनियां, तो यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो देखो अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान में देनी है, या तो ये दोनों ही सही हो जाएंगी या ये दोनों ही गलत हो जाएंगी, ठीक है। या तो ये दोनों ही सही है या ये दोनों ही गलत है। अब पहले हम इन दोनों को गलत कर देते हैं। मान लो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। अब गलत होने पर ऑप्शन देख लो। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, तो देखो ये भी गलत हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट गलत होने पर थर्ड और फोर्थ गलत, देखो फोर्थ गलत है, ये भी गलत हो गया, थर्ड गलत है, ये भी गलत हो गया, थर्ड गलत है, ये गलत हो गया, और मतलब फोर्थ गलत है तो ये भी कट गया। चारों में से सारे ऑप्शन तो कट गए, आंसर क्या निकालेंगे हम, बाबा जी का फुल लो नहीं निकलेगा ना। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को, थर्ड और फोर्थ को, अब हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। पहले हमने गलत करके देखा, अब हम इसको ठीक करते हैं। तो ठीक करने पर हमारा देखो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ ठीक होने पर चारों चीजें ठीक हो गई हैं। थर्ड और फोर्थ ठीक करने पर चारों ही चीजें ठीक हो गई हैं। ठीक है, चारों ही ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। अब इसमें जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं, हाँ ठीक है, ये भी सदस्य, इसमें ये वाली बात इन्होंने बोली है, ठीक है, कि कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं, ठीक है। तो देखो फोर्थ अगर ठीक है ना, तो ये मतलब थर्ड भी ठीक है, तो ये देखो ये कट गया एक, तो क्योंकि कौन सा सही है, थर्ड वाला ठीक है, हमने थर्ड वाला ठीक माना है, और फोर्थ भी ठीक माना है हमने, तो देखो ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है। अब बचा बी और डी, यानी 50-50 पे आ गया फिर से। देखो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था ये, लेकिन हम घुमा के ला रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी उसमें समझा पाऊं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज का आधार आता है, बेसिक नॉलेज के आधार पर आप इसको सॉल्व कर पाओगे कि अंडर टू कोएलिशन सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से नहीं है, तो इसका आंसर बी निकल कर आया यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था ये, इसको एडजस्ट करो आप, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसमें आपने दिमाग लगाया आप, तो कर पाओगे इनको सॉल्व, ऐसा कोई बड़ी लोड नहीं है इनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 44 है। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर 76, ये भी पेचीदा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। अब इसमें बोला हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। WHO के जो वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश हैं उनके बारे में बोला हुआ है। अब देखो पहली स्टेटमेंट है, PM2.5 का 24 घंटा माध्य इतने से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और इतने का वार्षिक माध्य इतने से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। फैक्ट है ये, अभी इसको होल्ड कर लो, फैक्चुअल है ये, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में भी, ठीक है, फैक्ट है ये। अब थोड़ा सा देखो इसमें बोला हुआ है कि
किसी साल में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर यानी कि हाई लेवल जो है ना प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। देखो ओजोन के बारे में अगर आप देखो तो इसका जो प्रदूषण का लेवल होता है वो सनलाइट में होता है, सूरज की किरणों में होता है। अब प्रतिकूल मौसम का मतलब बादल बारिश तो ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो सनलाइट में ही होगा ना, प्रतिकूल मौसम में तो नहीं होगा क्योंकि बादल बारिश में थोड़ा ना होगा, ये तो सनलाइट में होगा। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। अब देखो सेकंड के गलत होते ही ऑप्शन सी कट गया हमारा, ऑप्शन डी कट गया, यहाँ पे 50-50 के चांस आ गए, यानी कि ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन हमारा बी बचा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं हम। PM10 जो है फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। अब देखो रक्त का ये ब्लड का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और फेफड़े को भेद कर, PM10 जो है ना इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, PM10 और 2.5 का साइज होगा छोटा। ठीक है, तो फेफड़े को भेद कर जो रक्त के प्रवाह में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, क्या PM2.5 करेगा या 10 करेगा? 10 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 का साइज तो बड़ा होगा, 2.5 कर सकता है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, इस आधार पर इसका आंसर बी वाला आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व किया हमने, कुछ ये पेचीदा क्वेश्चन में लाया हूँ निकाल के आपके लिए। ऐसे ही फिर 76 वाला क्वेश्चन है ये, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी। अभी क्रेडेंशियल कमेटी से आपको ध्यान में आ रहा हो, कोई ऐसी कमेटी होगी जिसके कुछ मेंबर मेंबर होंगे, कोई ऐसी नॉर्मल सी कमेटी है क्रेडेंशियल कमेटी। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अब पहली स्टेटमेंट है ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC की बात चल रही है, इसके द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। अब आप इसमें सोचो, क्योंकि क्रेडेंशियल कमेटी है, नॉर्मल सी कोई कमेटी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या इस पे ध्यान देगी? मतलब छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची ऐसी कमेटियों पे ध्यान देती फिरेगी क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया है उसने, कि फला देश का ये सिक्योरिटी, फला देश का ये काम, फला देश का ये काम, तो वे छोटी छोटी कमेटियों पर ध्यान देती, उस पर इतना टाइम ही नहीं है छोटी छोटी कमेटियों पर ध्यान देने का। तो इस आधार पर स्टेटमेंट वन तो हमारी गलत होगी। अब स्टेटमेंट वन के गलत होती है, देखो ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन डी कट गया, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, पारंपरिक रूप से हर साल मार्च जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। अब ये बताओ कि क्या कहते हैं, कोई कमेटी है अगर उसने किसी का आकलन करना है, किसी का असेसमेंट करना है, तो साल भर का टाइम तो लगेगा या 6 महीने का टाइम तो लगेगा कि हाँ भाई तुम्हें 6 महीने देता हूं मैं, इसमें जो है मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा। ठीक है, या साल देता हूं मैं तुम्हें, साल में मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा। ऐसा थोड़ा ना हर दूसरे महीने तुम्हारे पीछे कुर्रे आप काटता रहूं कि हाँ बताओ क्या रिपोर्ट है तुम्हारी, हाँ बताओ 1 महीने में क्या रिपोर्ट है। तो इस बेस पर भी ये गलत हो गया, कोई मजा नहीं आ रहा इसको ठीक करने में। तो ये ऑप्शन सी भी हमारा कट गया, आंसर थर्ड वाला यानी कि ऑप्शन ए, ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये ठीक है। महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। देखो इस तरीके के कुछ पेचीदा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे UPSC के एग्जाम में। तो आज वाला जो मैं लेक्चर लेकर आऊंगी, ऐसे ही पेचीदा क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इनको भी हमने इजी बनाने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो बने रहो आप, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको नीड है वहां पे शेयर कर दो वीडियो उसको। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, थैंक यू।